और अब जिक्र उज्जैन का, महाकाल मंदिर में महिला श्रद्धालु से ठगी हुई है। शयन आरती के दर्शन के नाम पर ठगी की गई। दो सुरक्षा गार्डो ने 1000 रुपए लिए। महिला ने महाकाल थाने में इसकी शिकायत की। दोनों सुरक्षा गार्डो पर यह मामला भी दर्ज हो चुका है। आए दिन हो रही श्रद्धालुओं से ठगी और उसी को लेकर के अब सवाल भी उठने लगे हैं। बता दें, महिला से ठगी हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शयन आरती के दर्शन करवाने के नाम पर पैसे वसूले गए महिला से। दो सुरक्षा गार्ड इसमें शामिल थे। फिलहाल इन पर मामला दर्ज हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, दो सुरक्षा गार्डों पर मामला दर्ज हुआ है, यहाँ पर वसूली महिला से की जा रही थी, क्या पहले भी पूर्व में भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं और क्या कुछ शुरुआती जांच में सामने आ पाया? जी देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और ऐसे में हर श्रद्धालु चाहता है कि भगवान के अच्छे से दर्शन हो, लेकिन ऐसे ही श्रद्धालुओं का फायदा वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो और आसपास जो दलाल घूमते हैं ये लोग उनका फायदा उठाते हैं और उनसे तगड़ी रकम लेकर दर्शन कराने के नाम पर उनसे मंदिर में जब अंदर ले जाया जाता है और जब श्रद्धालु को अच्छे से दर्शन नहीं होते हैं तो इस पूरी बात का भांडा फूट जाता है। ऐसे ही एक मामला आया है कि छत्तीसगढ़ की जो महिला दर्शन करने आई थी उससे 1000 रुपए लेके शयन आरती में दर्शन कराने की बात की गई थी, लेकिन जब उस महिला के दर्शन नहीं हुए तो उसने महाकाल थाने पर जाकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने दोनों ही सुरक्षा गार्डों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी को लेकर जो है जिला प्रशासन का कहना है कि इस पे और भी कड़े नियम बनाए जाएंगे ताकि जो लोग फर्जी तरीके से दर्शन कराने के नाम पर जो श्रद्धालु के साथ ठगी कर रहे हैं ऐसे लोगों पर आने वाले समय में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। और अब जिक्र रायसेन का, गेहूं की फसल में आग लग गई। 8 एकड़ में आग लगना बताई जा रही है। फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आलमपुर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए रायसेन की, जहां पर 8 एकड़ में आग लगी। फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई गेहूं की फसल में। ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायसेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह से आग ने यहां पर तांडव मचाया। सब कुछ जल करके खाक हो गया। गेहूं की फसल में ये भीषण आग लगी। धुएं का गुबार देखिए, आप इसे समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। और देखते ही देखते पूरी तरह से इसने खेत को अपनी चपेट में ले लिया और 8 एकड़ फसल जल करके राख हो गई। गेहूं की फसल ये थी जिसमें आग लगी और सब कुछ नष्ट हो गया, खत्म हो गया, जल गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रायसेन से। गेहूं की फसल में ये आग की तस्वीरें आप देखिए। 8 एकड़ फसल में आग लगी और पूरी तरह से 8 एकड़ फसल जो है जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाना बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप रायसेन की इस वक्त आप देख रहे हैं। हमेशा हम देखते हैं गर्मियों के समय में, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं वैसे वैसे आग के तांडव हम अलग अलग जगह के देखते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हम लगातार सामने भी आ रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, वैसे तो कहा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं खेतों में बहुत ज़्यादा आग के ऐसे मामले सामने भी आते हैं, खेतों में, जंगलों में। अभी जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या वजह शुरुआती जाँच में बताई जा रही है? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, किसान अपनी फसल को बड़ी मेहनत से लगाता है और सोचता है कि उसकी फसल आएगी तो तमाम जो घर गृहस्थी के काम हैं, शादी हुई, अन्य काम हुए वो कर पाएंगे, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि गेहूं की फसलों में आग की घटनाएं जो इस बार नहीं हर साल आती हैं। और ये जो घटनाक्रम ताजा सामने आया है रायसेन की गैरतगंज के आलमपुर गाँव का, यहाँ भी बिजली के खंभे से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर आग लगी है। मैं बता दूं आपको, कांग्रेस विधायक सिलवानी बेगन विधानसभा के देवेंद्र पटेल, उनके भाई की वे फसल थी यहाँ पर 506 एकड़, साथ ही एक अन्य किसान की भी यहाँ पर फसल थी, बुरी तरह जल के राख हो गई है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है कि जिस हिसाब से गर्मी का मौसम होता है और जैसे जैसे दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बिजली की जो सप्लाई, जो खेतों की सप्लाई होती है, उसको चालू कर देते हैं, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही दिख जाएगी। लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और जो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल लगाता है, वो सोचता है कि उसकी जो फसल आएगी उसके साथ वो अपने घर गृहस्थी से अन्य काम कर पाएंगे, लेकिन उनकी मेहनत पे कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी फिर दिखाई दे रहा है। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए दिनेश।
टीकमगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां पर भी गेहूं की फसल में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। ग्रामीणों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है इस आग पर काबू पाने के लिए, पर बड़ा नुकसान भी यहां पर कहा जा रहा है क्योंकि बड़ी आग लगी है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से यहाँ पर आग लगी और आग देखते देखते फैलने लगी और सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। मशीन कड़े आई समय रहते, राहत की बात यही रही कि आग पर काबू पा लिया गया। गेहूं के फसल में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। ग्रामीणों ने फिलहाल कड़ी मशक्कत की और उसके बाद आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आप टीकमगढ़ की इस वक्त आप देख रहे हैं। मशीन कड़े आई, अरे उसे खोद कहीं हमने रवि से सब खोद देख के मत लो काम आएंगे। अगर नौ ऐसा चल रही है तो उधर तो पूरा बाहर जाने पूरा बाहर है मशीन तो कड़े आई आज ही जा। तो दो जगह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से फसल जलकर पूरी तरह से चौपट हो गई, खाक हो गई। रायसेन की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये भीषण आग लगी, 8 एकड़ फसल में आग लगी, सब कुछ जल करके खाक हो गया। दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की जहां पर शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की, और यहाँ पे भी सब कुछ जल करके खाक हो गया। प्रदेश की सबसे बड़ी नीमच कृषि उपज मंडी में एक स्कूटी में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते पूरी तरह से स्कूटी जलकर खाक हो गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, साथ ही चने की फसल भी आग की चपेट में आ गई जिसके चलते फसल भी जल गई। फिलहाल स्कूटी में आग किन्हीं कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि तेज धूप में स्कूटी खड़ी होने के चलते स्कूटी के पेट्रोल टैंक में ये आग लगी, तभी आग बढ़ती चली गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबलपुर में एमपी में चुनावी शंखनाद कर दिया है। जेपी नड्डा ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लोग समझते थे कि देश में कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन 10 साल में पीएम मोदी ने यह धारणा बदल दी है। नड्डा ने कहा कि पहले राजनीति में जाति ही आधार होती थी, एक ही पार्टी का शासन था, देश में सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर समाजवाद को आगे बढ़ाया। नड्डा ने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया और कहा कि आधे जेल में हैं और आधे बेल पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को हटा करके रहेंगे और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, जड़ मूल से उसको समाप्त करेंगे, ये संकल्प लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। और इंडी अलायंस भ्रष्टाचार बचाने वाले लोगों का जमावड़ा बन गया है, भ्रष्टाचार से बचने वाले लोगों का जमावड़ा। बालाघाट में एनकाउंटर में मारे गए 2 इनामी नक्सलियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस जवानों को बधाई दी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि 29 लाख रुपए के इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा 14 लाख के इनामी नक्सली को मारना मध्य प्रदेश पुलिस की सजगता को बताता है। इन जवानों पर मध्य प्रदेश सरकार को गर्व है। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देना चाहूँगा जिनने नक्सलाइट के 2 एनकाउंटर में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की और ख़ास करके ये जो बड़ी घटना हुई है जिसमें 29 लाख की इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से 14 लाख का दूसरा इनामी नक्सलाइट मारना, ये हमारी पुलिस की सजगता बताता है। मैं अपनी ओर से बालाघाट के जिला पुलिस बल से सभी आर्म फोर्स के जवानों को बधाई देना चाहूँगा। आपकी इसी मुस्तैदी के कारण से हमारे अपने इस क्षेत्र में पुलिस की अपनी एक अलग साख बनी है। मध्य प्रदेश की सरकार को आप पे गर्व है और उम्मीद करेंगे कि नक्सलवादी
किसी मोमेंट को हम कभी भी पनपने नहीं देंगे। विभाग ने 2.5 करोड़ से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों और स्कूलों की बिजली काट दी है। बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल पर 2.5 करोड़ और मिडिल स्कूल पर 72 लाख रुपए बकाया है। वहीं बिजली काटने की वजह से स्कूल में छात्रों की परेशानी बढ़ चुकी है, तो दूसरी तरफ सरकारी ऑफिसों में अंधेरा पसरा हुआ है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, नगर निगम कर्मचारियों को बड़ी लापरवाही इनकी यहां पर सामने आई है। शहर में सीवर उफन रहे हैं। पार्षद देवेंद्र राठौर ने खुद सीवर चैंबर में उतरकर सफाई की। बीजेपी से पार्षद हैं देवेंद्र राठौर ने निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सीवर के कारण आसपास के घरों में पानी भर रहा था और उसी बीच बीजेपी पार्षद पहुंचे। ये तस्वीरें ग्वालियर की आप देख रहे हैं। ठेकेदार से माननीय आयुक्त महोदय से कई बार कहा हमारे वार्ड में सीवर की समस्या है, लोगों घरों में पानी भर रहा है, तो मैंने मैसेज भी भेजे, अधिकारियों को भी कहा, दिखाया भी। ठेकेदार रोज ना झूठ बोल जाता है, आज कर रहा हूँ कल कर रहा हूँ, हमने इनसे सीवर भरी पड़ी है। और अब जिक्र निवाड़ी से बड़ी खबर का, लोगों ने जाम किया है यहां पर रास्ता। 2 महीने से राशन नहीं मिलने से ये सभी नाराज हैं। जाम लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग इनके द्वारा की जा रही है। ये निवाड़ी की तस्वीरें आप देखिए, राशन की मांग इनके द्वारा की जा रही है। 2 महीने से राशन नहीं मिला है, जिस वजह से ये सभी परेशान हैं और यहाँ पर रास्ते को जाम कर दिया है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नजर आ रही है, रास्ता इनके द्वारा रोका गया। मुरैना से बड़ी खबर है, पशुपालन विभाग के उपसंचालक को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, 3000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। गोवर्धन योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत ली थी। उपसंचालक ने 15000 रुपए की मांग की थी, रिश्वत की मांग की थी। 7000 रुपए की पहली किश्त उपसंचालक ले चुका था। तीन 2024 को लोकायुक्त ग्वालियर पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने फरियादी सत्येंद्र द्वारा उनके ही विभाग सत्येंद्र चूकी नूराबाद कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में टेक्नीशियन के पद पर तैनात है, उसके द्वारा बताया उसके भाई का लोन आचार विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत पास हुआ था, जो तो करीब 6 लाख का था। वो जब उपसंचालक महोदय श्री RPS भदौरिया जी से मिला, उनके द्वारा 10% की मांग की गई। उक्त आधार पर उसके द्वारा लोकायुक्त पुलिस में आवेदन दिया गया था, जिसकी पुष्टि के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की गई। प्रारंभिक कार्रवाई उपरांत आज दिनांक को उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। कितनी राशि पकड़ी गई है? 7000 रुपये दिनांक 22 को उसकी चीज जब बातचीत हो रही तब उसके द्वारा ले लिए गए थे। आज शेष राशि करीब 3000 रुपये इतने रंगे हाथ पकड़ा गया है। आगरमालवा से एक ऐसी अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई जिसे जानकर हैरान आप भी रह जाएंगे। दरअसल एक 34 साल की युवती को सोशल मीडिया पर प्यार हुआ, वो भी किसी युवक से नहीं बल्कि 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग से, जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने का फैसला लेते हैं। युवती ने समाज और जिम्मेदारियों की जंजीरें तोड़कर 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग से शादी कर ली। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में शादी की। हैरानी की बात यह है कि बुजुर्गों को ना फोन तक चलाने आता है, वो अपने आधी उम्र के युवक को दोस्त बनाकर उनसे मदद लेता। और अब जिक्र हरदा का, पटाखा फैक्ट्री